नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। कड़ाग्राम के निवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, जनसुनवाई में मांग करी कुटीर दिलाने की। आज कलेक्ट्रेट में गड़ाग्राम के ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि गड़ा में अभी तक किसी को कुटी नहीं मिली है तथा शौचालय भी किसी के बने हैं तो किसी के नहीं बने हैं। वहीं कलेक्टर से गुहार लगाई कि उनके गांव में कम से कम शौचालय तो बनवा ही दें। किसी की नहीं बने। और पानी की समस्या नहीं है। नल का पाल समाज के लोग पहुंचे कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने के लिए। यह ज्ञापन मोतीपुरा के पास पारदियों के द्वारा की गई पाल समाज के व्यक्ति पर गोलीबारी के विरोध में किया था। समाज का कहना है कि गुना में पारदियों का आतंक चरम पर है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति पर भी उन्होंने हमला किया था। पाल समाज का यह भी कहना है कि पारदियों के आतंक से लोगों को मुक्त किया जाए। साथ ही जिन पारदियों ने पाल समाज के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। आंदोलन के लिए बात दूंगे जी सर। के साथ में पार्टी ने भटने किए, मारपीट कर घायल कर दिया है। उसकी जान खतरे में भोपाल पेपर है। वो आज वो पार्टी खुलेआम घूम रहे, वो आज गोंदलपुर के आसपास चार पांच सब में सर खड़े हुए था। मैं पाल समाज से जिला अध्यक्ष हूँ। पाल समाज का मेरा नाम शिवचरण पाल है। मेरे समाज के व्यक्ति के साथ में पार्टियों ने जो अन्याय किया है उस अन्याय के साथ में मेरे पाल समाज का संगठन आज संकट होकर आया है। मेरे पाल समाज के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए हम आज जनसुनवाई कलेक्टर महोदय के सामने ज्ञापन देने आए हैं। उनको क्या घटना थी? घटना ये थी कि मोतीपुरा चौकी प्लांट से गोदलपुर गांव का मानसिंह पुत्र प्रभुलाल बघेल अपने काम से घर लौट रहा था। उसी समय धोखे से पार्टियों ने मेरे समाज के व्यक्ति को मारपीट कर गोलीकांड किया, जो आज उसकी जान खतरे में। भोपाल रेफर है, वो उसकी जान खतरे से बाहर नहीं है। इसलिए आज वो पारदी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और आज ही वो लोग आसपास के गांव में भय फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं। इसलिए हम ये ज्ञापन देने आए कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पाल समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। छात्र संघ डीएसओ ने छात्रावास खुलने की मांग की, जो कि कई दिनों से छावनी प्रशासन से करे जा रहे हैं। इसके बाद आज छात्र संघ ने छात्रों के साथ मिलकर जब छात्रावास को दौरा किया तो वहां पर चौंकाने लायक तत्व देखने को मिले। वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है छात्रावास। खिड़की और दरवाजे चोरी हो चुके हैं, साथ ही जगह जगह शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई है। छात्रावास की दीवार भी कई जगह से गिर चुकी है। ऐसे में छात्र जो बाहर से पढ़ने आते हैं और छात्रावास में रहने के लिए उन्होंने पैसा भी भरा हुआ है, वे कहां जाएंगे? 2011 में भी कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास को बंद कर दिया था और कहा था कि इसकी मरम्मत का काम जल्द ही किया जाएगा, जिसके बाद से आज 2018 तक इसकी कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया। वहीं सूत्रों की माने तो मरम्मत के नाम से कई बार लीपापोती जरूर की गई है। आज यहाँ पर जो पीजी कॉलेज के छात्र हैं, जिनके हर साल हॉस्टल की फीस वसूली जाती है, उन छात्रों ने आकर
क्योंकि हॉस्टल को शुरू करने की मांग काफ़ी लंबे समय से उठा रहे थे छात्र, और पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसको शुरू कराने का बोला था। इसलिए हॉस्टल की स्थिति देखने के लिए आज सभी छात्र आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखने पर जो पता चलता है वो स्थिति बिल्कुल उलट है। 2011 में पुनर्निर्माण की बहाना लेकर कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ, इनको सुधारेंगे हम, इस बहाना लेकर इस हॉस्टल को बंद किया गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक जो देखने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हॉस्टल के अंदर जो दीवारें हैं वो दीवारें तक बारिश के लगातार 6 बारिशें झेलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए भरभरा कर गिर गई हैं। शराब की बोतलों से कमरे भरे पड़े हैं। सारी जो लाइट फिटिंग है वो लाइट फिटिंग उखड़ गई है। ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे रोज़ शाम को शराबियों नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, और वो जब चाहे तब चाहे जो उनकी खिड़की उखाड़ लेते हैं, कोई सी भी लाइट फिटिंग उखाड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति है। तो हॉस्टल की जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी देखने को लग रहा है कि हॉस्टल में को अगर छात्रों को रहने के लिए दिया जाता है तो उसमें उससे पहले बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जब एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसको शुरू कराने का बोला था, तब से लेकर अब तक एक ईंट भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रखी गई है। तो जिस आधार पर ये बोल रहे हैं उतना काम भी उन्हें करना चाहिए। इस मांग को लेकर भी अभी आगे आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ की जो टंकी नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा हॉस्टल के अंदर। लेट बाथ, लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन सब में सुधार किया जाए जल्दी से जल्दी, और सिर्फ 15 दिनों के अंदर हॉस्टल को दोबारा शुरू किया जाए। इस मांग को लेकर अभी आंदोलन जारी रहेगा। बस ऑपरेटरों की मनमानी के विरोध में आज विकलांग पहुंचे जन सुनवाई। विकलांगों की मांग है कि मध्य प्रदेश में बसों में विकलांगों के लिए 50% की टिकट की रियायत दी गई है, लेकिन गुना के विकलांगों के लिए बसों में अभद्र व्यवहार ही किया जाता है और टिकट में कोई रियायत नहीं दिया जाती। आज इसी बात को लेकर वे जन सुनवाई पहुंचे कि उन्हें कम से कम 50% की रियायत दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने विकलांगों को पेंशन में आ रही परेशानियों को भी दूर करने की बात कलेक्टर से कही। क्या समस्या? लोग इसलिए आए हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने यह आदेश निकाला है कि सभी दिव्यांगों को बसों में किराए में 50% की छूट रहेगी, लेकिन गुना जिले में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, और दिव्यांगों से कई बस वाले अभद्रता से बात करते हैं और मनमाना किराया वसूल करते हैं। और कोई समस्या आपकी? और पेंशन की भी हमारी समस्या है। कई दिव्यांगों को, हमारों को जो BPL की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, और कई विकलांग ऐसे भी हैं जिनको 150 रुपये ही पेंशन मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा गया एक सपना, जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास परीक्षण केंद्र हर जिले मुख्यालय पर खोले गए। वहीं गुना जिला मुख्यालय में आज जो प्रशिक्षण ले चुके हैं प्रशिक्षणार्थी, वह जन सुनवाई पहुंचे, जहां इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने बताया कि किसी भी कौशल विकास परीक्षण केंद्र में पढ़ाई नहीं की जाती, ना ही कुछ सिखाया जाता है, उन्हें घंटों यूं ही बैठा के रख दिया जाता है। साथ ही जो स्कॉलरशिप की बात उन्होंने कही थी, तो स्कॉलरशिप भी अभी तक किसी भी छात्र के खाते में नहीं आई है। इसी बात को लेकर आज शिकायत करने जन सुनवाई पहुंचे कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी। अब देखना यह होगा कि इनकी शिकायत पर कलेक्टर महोदय क्या संज्ञान में लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में दिसंबर में एडमिशन लिया था। 4 महीने का हमारा CCTV का कोर्स था, वो हमारा कंप्लीट हो गया अप्रैल में। 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को हमारा एग्जाम था, कंप्लीट हो गया। यहाँ तो हमें जॉब मिली अभी तक कोई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से। 7 महीने बाद जैसे मैं कल गया केंद्र पे, तो केंद्र पे ये बोला जाता है ना तो आपके लिए कोई जॉब है, सरकारी तैयारी करो, अगर हम तैयारी करें तो आपके हमें किस लिए बुलाया था? मतलब स्किल डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट हुआ हमारा, कुछ नहीं पढ़ाते, टाइम बर्बाद करते हैं ओनली। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं ओनली उनका टाइम बर्बाद किया जाता है। जॉब देते 5,000 की जॉब इंदौर में, आप बताइए 5,000 हो जाएगा इंदौर में। तो CCTV की हमें कंपनी का बोला गया था, लेकिन कंपनी अभी तक 7 महीने में नहीं आई है यहाँ पे, अभी तक कोर्स नहीं, ना तो हमारा कोई कोर्स करवाएगा, ना कोई डिप्लोमा आया, ना हमें 12,000 का स्कॉलरशिप का बोला गया था, स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं आई है अभी तक, कोई डिप्लोमा सर हमको नहीं हुआ। जाते तो आपसे हाँ, कल मैं गया था, मैंने सर से बोला कि हमारा डिप्लोमा क्या है, तो सर कल मेरे से ये बोलते हैं पूरा स्टाफ, आप CCTV कैमरा चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कैमरा लगी हुई है, तो ये बोला जी जो कर सकते हो कर लो, जैसा करना है वैसा कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे हमारा आप, ऐसा बोला। ये पवन चंदेल है और भी स्टाफ के नए नए लोग हैं, मतलब मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो सर हमारे पवन चंदेल है जिनने मेरे से बोला था वो। मधु
मधुसूदन के ग्रामीणों ने मधुसूदनगढ़ तहसीलदार को दिया ज्ञापन, जिसमें मांग की कि प्राथमिक विद्यालय चलाने वाले शिक्षक एवं मध्याह्न भोजन चलाने वाली समिति ठीक से काम नहीं कर रही है और साथ ही करती है अपनी मनमानी। बता दें कि वीरपुर गांव में शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो कभी खुलता है कभी बंद रहता है, इस हेतु ग्रामीण पहुंचे तहसीलदार के पास। साथ ही उन्होंने मांग की कि जो मध्याह्न भोजन बच्चों को बांटा जाता है वह भी खाने लायक नहीं होता, जिसकी गुणवत्ता की भी कमी रहती है। हालांकि इस मामले में पहले भी कई शिकायतें वीरपुर ग्राम के लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। परेशानी पूरी परेशानी है, वो कभी जीवन में पढ़ावे में जा हमारे दादा के बारे में दादा तक बहन पढ़े वो भी तक नहीं आज चित्र का आज कौन पढ़ाने नहीं आता। क्या है समस्या और बताइए। अच्छा एक समस्या और बताऊँ, कुछ नहीं पूछ रहा भाई जाके देख का हो तुम तो पूरा स्कूल धड़ लग रहा था पूरा स्कूल में पढ़ रहे हैं और न तो कभी मध्याह्न भोजन पर बहुत समस्या है कि एक बहुत बताऊँगा। तो मास्टर टाइम टेबल से आते हैं कि नहीं? नहीं यहाँ पर एक में दो मास्टर तो अभी टेंथ तो कमजोर नहीं आ रहा है। अच्छा तो आपने क्या मांग करी है प्रशासन से? नहीं करी कि जो हट गया बैस जो सनी है हमारे गाँव पर मध्याह्न भोजन हटना चाहिए। हाँ मध्याह्न भोजन। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। रेलवे के लोको पायलट एवं असिस्टेंट पायलट एवं रनिंग स्टाफ 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गया है। लोको पायलट की माने तो सभी विभागों में सातवें वेतनमान का क्रियान्वयन हो चुका है, लेकिन केवल लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट साथ ही रनिंग स्टाफ को अभी तक सातवां वेतनमान नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर आज सभी 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखने लायक होगा कि क्या उनकी भूख हड़ताल स्वतः ही समाप्त होती है या इसके बदले में उन्हें कुछ मिलता भी है। सत्रह तारीख को हम लोग सभी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट सभी 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे विशेषकर जो मांगे हैं अभी तक के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन का पूरा पूरा फायदा दिया जा चुका है, लेकिन सिर्फ रनिंग स्टाफ जिसमें लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड आते हैं इनको अभी तक सभी सेवन पे कमीशन के लाभांगों से दूर रखा गया है। ये हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग अभी भूख हड़ताल पे 48 घंटे के लिए बैठे हैं, जो कि अभी 17 तारीख से 9 बजे से स्टार्ट होकर 19 तारीख को 9 बजे ख़त्म हुआ, जिसमें हमारा सभी साथी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम ही आम जनता से सभी से सहयोग चाहते हैं कि सभी हमारा सहयोग करें और हम सभी गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे। लेकिन हम अगर भूखे रह के 48 घंटे इस धूप भरी और उमस भरी गर्मी में काम करेंगे तो इससे हो सकता है कि हम बेहोश हो जाएँ और गाड़ियों का संचालन रुक जाए और हम लोग जो सुरक्षा के रूप से हम लोग गाड़ियों का संचालन करते हैं वो संचार ना हो सके। इसलिए हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं, सभी जनता से निवेदन करते हैं कि हमारा साथ दें और हमारे ये भूख हड़ताल जिस रूप से सातवें पे कमीशन जो हमें नहीं दिया गया है और माइलेज रेट जो अलाउंसेस हमको दिए जाते हैं उनसे हमें वंचित रखा जा रहा है। रात दिन जिसलिए हम काम करते हैं उससे हमें वंचित रखा जा रहा है। हमारे साथ में ये स्वतः व्यवहार नहीं चलेगा। आम कर्मचारी को टीए दिया गया, आम कर्म को जो टीए के इक्विवेलेंट है कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर डाकघर ने जारी किया डाक टिकट। इस विशेष डाक टिकट में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र अंकित है। इस मौके पर समाजजन मौजूद रहे। विशेष खबर का विमोचन करते हुए थोड़ा एक्साइट हो जाना भाई। आचार्य श्री के संयम सन महोत्सव के
50वीं दीक्षा दिवस के समापन के समारोह पे ये एक विशेष आवरण आज अवलोकन हो रहा है। ये सारे देश भर में इस तरीके के बहुत सारे आवरण बनाए गए हैं, पर ये प्रयास एक गुना बजरंगगढ़ कमेटी ने किया कि सिर्फ 3 दिनों में एक विशेष आवरण जारी कर और आज उसको जारी करने का यहाँ पोस्टमास्टर और गुना जैन समाज के तत्वाधान बजरंगगढ़ पुण्यतिथि सचिव की कमेटी के साथ में आज लोकार्पण हो रहा है। ये देश भर में जो संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है उसी कड़ी में एक प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके का एक सब पूरे देश भर में एक लिफाफा बनाया जाए विशेष, जिससे कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आए, जिससे देश भर में नाम हो कि संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा, सभी जगह की जैन समाज द्वारा जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं उसमें एक ये भी प्रयास था। ये विशेष आवरण पोस्ट ऑफिस सिर्फ स्पेशल ऑकेजनों पे निकालती है, इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, डिपार्टमेंटल परमिशन मिलने के बाद इसको जारी किया जाता है। एक विशेष सील जारी की जाती है जो सिर्फ आज के दिन के लिए ही उपयोग में आती है और इस पर लगाकर इसका अनावरण किया जाता है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष राजू यादव आज फिर जनसुनवाई पहुंचे, जहां इन्होंने सीएमओ की शिकायत करते हुए कहा कि सीएमओ लगातार लापरवाही पूर्ण कर एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 19 में कुसमौदा में पिछले 4 माह पूर्व अर्थवर्क की विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसका कार्य एक ही ठेकेदार द्वारा किया गया था। अब उसी विज्ञप्ति को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला कुसमौदा से लेकर कुक्कुट पालन तक, दूसरा कुक्कुट पालन से लेकर हनुमान मंदिर तक, तीसरा गांधी वोकेशनल तिराहे से लेकर कुसमौदा रेलवे फाटक तक। साथ ही राजू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि 20 लाख तक के कार्य पीआईसी में ही पास कर लिए जाते हैं, इसके अतिरिक्त उससे ऊपर का जो काम होता है उसे समिति के माध्यम से कराया जाता है, लेकिन पीआईसी में पास कराने की जद्दोजहद के चलते सीएमओ बुंदेला ने इन कार्य को 3 भागों में बांट दिया, जबकि जो एक ही रोड हुआ करती थी। साथ ही इसका पूरा ठेका एक ही ठेकेदार को दिया गया है। राजू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका सीएमओ बुंदेला इन सब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। वाला मामला है क्षेत्र में जो बिना टेंडर बिना वर्क ऑर्डर दिए जो रोड का निर्माण कार्य किया गया है, उसके उपलक्ष्य में अभी तक 15-20 दिन हो चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे शहर में तमाम जगह कई निर्माण कार्य हो रहे हैं जिनकी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। इतनी बेधड़के से बेलगाम होकर नगर पालिका प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मजबूरन आखिर मुझे ये आवेदन लेके आज जन सुनवाई में जाना पड़ा, जो हो सकता है कि इसी लाइन से मेरा काम हो जाए। तो इस तरह के ये जो घोटाले हो रहे हैं इससे हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है, इससे मुझे काफ़ी दर्द है, इससे मैं बार बार अवगत करा रहा हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हो रही। कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम दिखवाते हैं ऐसे, मैंने सब दिखवाते जब तक वो कागजी कार्रवाई में जो भी गड़बड़ी है वो पूरी सुधार लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन मुझे नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठना पड़ेगा और माननीय न्यायालय की शरण में मैं जाऊंगा। सुदामा कॉलोनी पुरानी छावनी में चोरों ने बोला धावा। सुदामा कॉलोनी निवासी दयाचंद कुशवा के घर रात को चोरों ने धावा बोल दिया। दयाचंद के मुताबिक चोरों ने उसके घर से 1.5 किलो चांदी, 1 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा थाने में की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दो बजे की रात के 2-2.5 बजे के करीब घुसे और ऊपर से आए छत पे से और रकम ले गए, 1.5 किलो चांदी है थी, वो ले गए और सोना है था,
वो भी ले गए और केस है तो 1,00,000 रुपये वो ले गए, मोबाइल ले गए 3। तो आप लोगों ने उनको देख लिया था? हाँ, पीछे जीना चढ़ा देखे थे, पीछे दौड़ के गए तो पता नहीं वो कहाँ चला गया, भाग गए वो लोग है ना। कौन सा मोहल्ला है ये? सुदामा कॉलोनी, पुरानी छावनी। पुरानी छावनी से ग्राम बिलोनिया के पास टू व्हीलर से भरा एक ट्रक बोर्ड पर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक क्लीनर को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि यह ट्रक टू व्हीलर लेकर दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा था। अक्सर सुनने में आता है कि ग्राम के सरपंच कार्य नहीं कराते एवं ग्रामीण दुखी होते हैं सरपंच से, लेकिन हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा गांव जहां सरपंच सचिव और कंट्रोल संचालक से परेशान है। उमरी के नजदीक ही चकदेवपुर गांव है जहां के सरपंच एवं ग्रामीण कंट्रोल संचालक से परेशान है, क्योंकि कंट्रोल संचालक अपनी मनमानी करता है और ग्रामीणों को आधा ही सामान देता है जबकि बाकी सामान वो ब्लैक में कर बेच देता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार सरपंच से एवं आला अधिकारियों से की। इस बात की पुष्टि सरपंच ने भी की, वहीं बताया कि जहां 4 लीटर मिट्टी का तेल मिलना चाहिए उसके एवज में उन्हें केवल 2 ही लीटर मिट्टी का तेल दिया जाता है। वहीं सचिव गांव में कोई भी काम कराना नहीं चाहता है। नए सरपंच के कार्यकाल में केवल 1 ही CC रोड वहां डाली गई है जिसके अलावा कोई भी कार्य नहीं किया गया, जबकि स्वीकृति 4 से 5 कार्यों की और मिल चुकी है। इस आशय की शिकायत ग्रामीणों ने की। ये खुलती है टाइम पे? नहीं खुलती। ये भी नहीं खुलती? घंटा तो घंटा खुलती है भाई, मान लो घंटा। अच्छा, ये भी कभी कभार ही खुलती है क्या? मर्जी का ही काम चला। कार्यकर्ता कौन है यहाँ? कार्यकर्ता ये वो है प्रेम भाई। कहाँ से आती हैं? प्रेम भाई सुन ले, सूरज आनी बोलते हैं। हाँ, बावरुदा जी। बावरुदा वो भी नहीं आती? वो भी नहीं आती। कभी कभी कहता ना, कभी कभी आती कभी नहीं आती। अच्छा, स्कूल में मध्याह्न भोजन कहाँ चलता है? स्कूल के खाने का खाना देते हैं कि नहीं? अभी से ही चल रहा है। खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, खुलेगा तो खाना मिलेगा, नहीं खुलेगा तो पास खाना माना है, कहीं खाना माना नहीं। अभी से ही स्टार्ट हो रहा है ये तो। ट्रैक्टर वाले क्या लेके जाते हैं? तेल, मट्टी का तेल। अच्छा, ट्रैक्टर चला रहे हैं वो, करी और रात को ले जाते हैं। तो रात में ये आ जाते हैं जो कंट्रोल चलाते हैं? रात को भले जाते हैं, यही रहता है, पाल्ट बनाता है, खाता है, यही डर रहता है वो तो। कभी कभी दिन में भले जाते हैं, कभी परमिट की जूं, परमिट का तेल दिया मैंने, ऐसे झूठे परमिट से कटे 10-5 करे और उन्होंने तेल भरवाया उनको। ऐसा की बात, फोन नंबर ले जाओ आपका, उसको भी फोन कर दो या करो। आप मैं आपको मुझे बता रहा कि आप पूरे गाँव में मोबाइल है, आप एक बात सोचना, और जिस 10 लोगों के घर होंगे तो खुले नाच वाला तो भाई फोटो डाल लेते। आप डालेगा नहीं किया? हां तो भाई, भाई तो कह रही है फोटो डाल के और ठीक है लेकर लोन लान कर। अरे मां का भी अच्छा, क्या नाम है आपका? देवीलाल। देवीलाल, बताइए यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? कभी कभी कंट्रोल खलती है। हाँ। और तेल पूरा बांट देता है फर्जी, 60-60 लीटर की कैन भरती है। 60-60 लीटर की कैन भर के? हाँ। और ये बोलते हैं पकड़ा दो 5,000 रुपए लग जाएंगे मेरे। अच्छा, क्या नाम है उनका जो बोलते हैं? अनिल। अनिल कहाँ से आते हैं? दमनार। दमनार से आते हैं। तो जब वो ब्लैक मनी करते हैं यहाँ पे तो क्या बोला जाता है आप लोग जब बोलते हो तो? पकड़ा दो कहीं मेरे 5,000 रुपए लग जाएंगे, शिकायत कर दो। मतलब ब्लैक मनी में जो लेने आते हैं वो लोग कहाँ से आते हैं लेने? ये हमारे आदमी से, हमारे गांव के नारायणपुरा के।
गांव से आते हैं आसपास, और क्या बड़े बड़े लोग आते हैं, और क्या बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करते सप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग बोलते हो तो क्या बोलता है वो? कुछ नहीं हो क्या, मेरा दरखास्त किया क्लटर पे चल जाओ, एफसी पे चल जाओ, कहाँ पर जाओ जा चल जाओ, ले जाते हैं, और क्या गरीब लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ कितने घरों की बस्ती है? 90-100 घर के आसपास की। ये इस जो राशन कार्ड यहाँ पे कितने हैं? अच्छा, कौन कौन लोग लेके जाते हैं? उनका नाम माम तो हम जानते नहीं, हम भी मजदूर आदमी, मजदूरी कर खाते हैं हम भी। हमारा 10 घर के सामने स्कूल और सब सामान भरे दिए, भर लीजिए यार, एक आदमी थोड़ी 10 ही आदमी गोल्टर मारा, 10 आदमी सहयोग कुंजी के मां का चोर, आप देखो साहब, भाई 10 सहयोग दे देगा ना, बन गया अच्छा चीज, 10 आदमी को ला रहे थे, 10 को ला रहे थे, पूरा ही थोड़ी से 500 पूरा ला रहे थे, हवा दिए नहीं, 10 प्लस 25 ये मत, ये मैं कम लग रही अपने लिए, सरकार ने गवर्नमेंट ने दिया है, इसको कौन खाने वाला है। दूसरी बात सरपंच साहब जी है, जो आपके यहाँ ये कंट्रोल खुली हुई है उचित मूल्य की दुकान जो है, यहाँ पे सभी ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो अनिल है, कोई अनिल जो इसको चलाते हैं, वो ब्लैक मनी में यहाँ पे माल बेचते हैं, तो आप इनको कभी क्यों नहीं देखते? नहीं साहब, आते हैं कहते हैं साहब आप हितग्राही परेशान नहीं करना, आप पूरे राशन देना है इनका, लेकिन वो तो देते नहीं है, 2 लीटर तेल दिया जाता है। नहीं तो आप, मैंने इससे जिनसे जा कही कि जनता इकट्ठी होकर परमिट ले चलो, अपन चले थाने में अपन परमिट बताएंगे साहब, जिनको राशन नहीं दे रही, पानी नहीं दे, अब जी जनता खुद ही नहीं समझे साहब में क्या कर रहे। नहीं नहीं, उसके बाद में दूसरी बात, नहीं एक बार ये जैसा आदमी हमारे साथ, दूसरी बात में दूसरी बात ये है के वो जो अनिल जी जो है इसको संचालित करते हैं, वो गांव वालों से ऐसा बोलते हैं कि शिकायत करे हो मेरी, यहाँ पे भी करना हो 5-10 हजार रुपए लगेंगे और मेरा काम हो जाएगा, कौन क्या उखाड़ लेगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बताओ वो रास्ता, आप देखो इसमें क्यों मिले थे आपको परमिट की, क्यों नहीं दी ये आपको देखिए, एक राशन कार्ड ही दिखा, देखो 2 महीने क्यों नहीं गए, कितने महीने की नहीं थी आपको? 2 महीने की, 2 महीने के, 2 महीने की नहीं थी ये, तो आप वो मम वोट कर रही हो सारी। हां हां वो देख देख, गांव को तेल का तेल भी गुंदी का, वो न लड़ाई होगी छी, अबकी बार की भी नहीं दी, नहीं दी तो आपको कब से नहीं मिल रहा है? क्यों? 2 महीने, 2 महीने से मतलब देता नहीं हूँ, तो दादागिरी चोदता है, क्या कहता है, तुम्हारी अम्मा चोट डालूंगा बहन चोदों, अच्छा ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, तुम्हारी बहन चोट डालूंगा, बहन के लंडे क्यों लेने वाला, कौन है तुम? दमनार का है, दमनार पैसे वाला है, उसके साथ में कम से कम 10 आदमी लगे हुए हैं, उसके साथ में उसकी दादागिरी चल रही है, सब मिल बांट के खाते हैं, यहाँ से तेल बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, सरपंच रुक रहा है ना, इनके भाई के मुंह बदल के तेल बेचे खाते हैं, कंट्रोल में तेल नहीं देते, तेल देते तो कितना देता है? 40 लीटर तेल मिलता है, 2 लीटर और डेढ़ मान लो 1.5 लीटर तो भाई एक बार ले चाल के थाने में नफा हो गई, हमने 40 लीटर क्या गलत की क्या? 1.5 लीटर सही है, गलत है और सरपंच साहब की आप भाई सही है, अपन झूठा ही परमिट दी कोनी नहीं, वो नहीं वो नहीं आते हैं, लड़ाई होती है, वाले बंदा बोलया को नहीं, हम पर गांव वाले की क्षमा दी देते हैं, नहीं लड़ाई मत करो, अपन तो साबुत लेकर चल भैया, देख लो दो महीना से क्यों नहीं, दो महीना एकदम सुन दिया, वो कहता है रिपोर्ट कर यार मेरी, क्या होगा रिपोर्ट करिया, रिपोर्ट डाले आओ मेरी, उसके लिए मुझे कहा के करो, चोरी का माल बेच के खाता है, गेहूँ बेच देते हैं रात को, उठा के ट्रैक्टर भर के गेहूँ ले जाता है, गेहूँ बेच के खा जाते हैं, मंडी लगा देते हैं, मंडी भी लगा, मंडी लगा देते हैं, और क्या बोरी उठ रही है इधर से, ट्रैक्टर भर के ले जाता है, मंडी लगा, गेहूँ कौन खा गया आपसे पूछ रहे हैं, गेहूँ कौन खा गया, गेहूँ तो डीलर खाएगा ना, एक महीना डीलर कौन खा गया, गेहूँ दूसरा, अच्छा यहाँ ये स्थिति कितने लोगों के साथ है? 8-9 आदमी है सर, 4-5 आदमी नारायणपुरा के, दो चार ढाके सब चला नहीं देता, हम कहते तो हम गरीब आदमी मान जाते हमारे, जगदेवपुर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। डीजे आना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।